नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस वीडियो में हम उसी से संबंधित बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की बिहार में क्या स्थिति है। पिछले 3-4 चुनावों के हम आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है और कांग्रेस ने कौन कौन सी गलती की है और कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की हार हो सकती है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो पहले गलतियां की हैं उन गलतियों के बारे में हम बताते हैं, उसके बाद कांग्रेस के रिकॉर्ड को पिछले 3 सालों के बताएंगे। इस चुनाव में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स का यूज किया। चूँकि तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं, उनके ऊपर दबाव बना करके 70 सीटें लेने में कांग्रेस कामयाब रही। लेकिन स्थिति क्या है अभी की? कांग्रेस को अच्छे उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं उनकी कंस्टिट्यूंसी में। RJD के कुछ उम्मीदवार हैं जिसको कांग्रेस ने एडजस्ट किया है, वो तो अच्छा किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोग जानते तक नहीं। कोई भागलपुर का है तो पटना साहिब में लड़ रहा है, कोई कहीं दूसरी जगह तैयारी कर रहा है तो उसको कहीं तीसरी जगह उतारा जा रहा है। ये स्थिति है कांग्रेस की। और जो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और JDU के गठबंधन के लोग बहुत खुश हैं कि उनको खुशी इस बात की है कि ये सीटें उनको आसानी से जीत मिल सकती है इन सीटों पर। 70 सीटों में कांग्रेस कितनी जीतेगी ये तो अभी कहना मुश्किल है। अभी मैं इसका आंकड़ा दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 10-12 सीटें जीतेगी, इससे ज़्यादा कांग्रेस जीतने नहीं जा रही है। हालांकि सत्ता विरोधी लहर है काफ़ी। RJD के कार्यकर्ता जो कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर कांग्रेस को हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की अपनी ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है बिहार में। कांग्रेस के पास ज़मीन पर ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस ने ऐसी सीटें ले लिया है जहां पर उसके बूथ तक पर अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे और लोग, ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। अभी कोई प्रचार प्रसार में अभी तक नहीं उतरा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप समझ सकते हैं। जबकि BJP की अगर बात करें तो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक रैली कर चुके हैं, साथ ही साथ वो 2-3 बार जो है कि बिहार आ चुके हैं। वहीं हम बात करें वहाँ के मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है कि NDA के नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार रोज़ रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार रैली प्रारंभ कर दिए हैं। जबकि पहले फेज का नामांकन हो गया, अब उसका वोटिंग होने वाला है। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक सब गायब हैं, सब दिल्ली में हैं और उनको सीट चाहिए। 70 सीट लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर अपना कोई ग्राउंड नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे पैरासूट कैंडिडेट इन्होंने उतारा है, कहीं का कैंडिडेट कहीं। इस तरीके से इनके जो कैंडिडेट्स हैं, इनके कैंडिडेट्स के नाम सुनकर ही जो है कि भारतीय जनता पार्टी और JDU के बहुत सारे उम्मीदवार बहुत प्रसन्न हैं जहाँ पर ये लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर वो आसानी से जीत सकते हैं। तो कांग्रेस के जो लड़ रही है जिन सीटों पर, 70 सीटों पर, उसमें से अगर 20 सीटें छोड़ दिया जाए तो 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर JDU और BJP को बहुत ही आसानी होगी जीतने में। हालाँकि सत्ता विरोधी लहर है तो हो सकता है कि इसका कांग्रेस को फ़ायदा मिले, मगर वास्तव में कांग्रेस की ज़मीन बिहार में बिल्कुल ही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि खिसक चुकी है। चलिए अब हम आपको कांग्रेस का आंकड़ा दिखा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा क्या रहा है चुनावों का। तो सबसे पहले 2015 की बात कर लेते हैं। 2015 में कांग्रेस महागठबंधन के साथ थी, यानी RJD, नीतीश कुमार और कांग्रेस ये लोग साथ मिलकर लड़े थे। कांग्रेस 42 सीटों पर लड़ी थी, 42 में इसको 27 सीटों पर जीत मिली। वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज इनका था 6.66%, यानी 6.66% इनका वोट परसेंटेज था और लगभग 6 से 8 के बीच में ही इनका वोट परसेंटेज रहता है। इससे ज़्यादा इनका वोट परसेंटेज नहीं है, क्योंकि इनकी ज़मीनी जो पकड़ है बिल्कुल ही नहीं है। चूँकि 42 में 27 सीटें इसलिए जीत गए कि ये महागठबंधन के साथ थे, महागठबंधन के वोटरों ने वोट दिया JDU और RJD के, तभी जीत गए, वरना इनकी स्थिति क्या होती कुछ भी कहना मुश्किल है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये तो कम सीटों पर लड़े हैं इसलिए इनका वोट परसेंटेज इतना है, ऐसा नहीं, आगे आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ आपके सामने जो रिजल्ट है वो 2010 का है। आपके मन में भ्रम यही रहा होगा कि 42 सीट पर लड़ेगा तो वोट परसेंटेज तो अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 2010 में ये सभी सीटों पर 243 सीटों पर लड़े हैं। इनसे RJD ने 2010 में गठबंधन नहीं किया, यही सब कारण था कि इनको ज़्यादा सीट चाहिए था और इसलिए इनके साथ गठबंधन नहीं किया और ये केवल 4 सीट जीत पाए। 2010 में इनकी केवल 4 सीटें निकली और वोट ऑफ परसेंटेज 8.37। अब समझ लीजिए, सभी सीटों के पर लड़ने के बाद भी केवल 1.5% के आसपास इनका वोट परसेंटेज बढ़ा, इससे ज़्यादा इनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि 243 में 216 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी।
ध्यान दीजिएगा, 243 में 216 पिन की जमानत जब्त हो गई थी। ये स्थिति है कांग्रेस के ग्राउंड पर, जबकि 2010 में कांग्रेस पार्टी की सेंटर में सरकार थी। कांग्रेस की जो कि इतनी सेंटर में सरकार भी थी, फिर भी सोच लीजिए इनके सेंटर में सरकार होने के बावजूद भी ये स्थिति रही बिहार के अंदर। एक और चुनाव का आपके सामने आंकड़ा रख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 2005 अक्टूबर में गठबंधन किए थे, गठबंधन के साथ 51 सीटों पर लड़े और इनको 9 सीटों पर जीत मिली और वोट परसेंटेज था इनका 6.09%। तो ये समझ लीजिए, यानी ये गठबंधन करते हैं तो इनको सीटें मिल जाती हैं, गठबंधन नहीं करते हैं तो स्थिति यही रहती है, 4-6 सीटें जीतते हैं, इससे ज़्यादा ये सीट नहीं जीतते हैं। तो 2005 का भी आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया, तो ये स्थिति है दोस्तों। तो चलिए आप भी बताइए, जो कांग्रेस 70 सीटों पर बिहार में लड़ रही है, क्या उसका ये फैसला सही था? क्या उसने इतनी ज़्यादा सीटें लेकर गलती की महागठबंधन के लिए? क्या कांग्रेस हार का कारण बन सकती है? इन सारे चीज़ों को लेकर जो भी आपकी अपनी राय है कमेंट्स करिए। जो हमने वीडियो बनाई है, इस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।